अरुण भाई आए थे हमारे पास पिछले अक्टूबर को, तो जो लोग अरुण भाई को नहीं जानते हैं उनका बहुत बड़ा यूट्यूब पे चैनल है मोटो जिप के नाम से, और उनकी सबसे आइकॉनिक चीज़ है उनकी ब्लैक कलर की टाटा नेक्सॉन। जितने भी अपने ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट बनाए हैं मैक्सिमम अपनी ब्लैक नेक्सॉन में ही बनाए हैं, और उनकी गाड़ी भी फेमस है अरुण भाई की नेक्सॉन के नाम से। तो उनका लास्ट अक्टूबर प्लान बना था पुणे आने का, तो उन्होंने हमको कॉल किया और बोला कि मैं पुणे आ रहा हूँ तो क्या आप मुझसे मिल सकते हो, और वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे उनका ये कॉल देख के। हमने उनके साथ छोटा सा एक वीडियो भी बनाया था, एक छोटी इंटरेक्शन हुई थी सिरामिक कोटिंग पेंटिंग रिलेटेड, जो भी उनके सब्सक्राइबर्स को डाउट्स रहते हैं उस रिगार्डिंग उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे, हमने उनको जवाब दिए, और करीब एक डेढ़ घंटे की वो कॉन्वर्जेशन चली थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ था कि हम उनकी गाड़ी को रिजुविनेट करें, ग्रेडे मटेरियल में उसको पेंट करें, और क्योंकि वो गाड़ी अरुण भाई के इतने खास है, इतने करीब है, तो उसको थोड़ा डिफरेंट बनाएं, थोड़ा अलग बनाएं, थोड़ा यूनिक बनाएं, ताकि जहाँ भी उनके वो गाड़ी जाए वो स्टैंड आउट करे। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी का पूरा रिस्टोरेशन आपको दिखाएंगे। लास्ट में अरुण भाई जब गाड़ी रिसीव करने आए थे तो उनके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन था, वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ये हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो ब्रोटोमोटिव में आपका स्वागत है, मेरा नाम है राघव। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। अरुण भाई फरवरी में गाड़ी हमारे पास छोड़ने आए थे, और ऑल्दो ऐसे एक प्रोजेक्ट को 25-30 दिन 40 दिन के बीच में ड्यूरेशन लगता है, बट क्योंकि पुणे में लॉकडाउन चल रहा था उस वजह से इस प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, पार्ट्स प्रोक्योर करने में भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में कुछ कुछ पैनल्स भी चेंज हुए हैं, और हमने इसका हेडलाइट भी मॉडिफाई किया, जो कि टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर लैंप्स वाले हेडलाइट आते हैं हमने वो बिठाया है। इसका फ्रंट बम्पर भी चेंज हुआ है। Thank you.
गाड़ी का डेंटिंग का काम मेजर सारा हो चुका है। गाड़ी पहले क्योंकि बहुत बारी रिपेंट हुई थी तो उस वजह से बहुत ज्यादा पुट्टी का काम किया हुआ था गाड़ी में। हमने जहां जहां पे ग्राइंड किया हमें एक्सेसिव थिकनेस में पुट्टी मिली है। डेंट भी प्रॉपरली बनाए नहीं गए थे तो ये जो धारे होती हैं पैनल्स की ये सारी पुट्टी में शेप दी गई थी। तो अभी हमें ऑलमोस्ट 3 दिन निकल गए इसमें, हमारे 2 डेंटर्स ने काम किया है, सारा एक्सेसिव बॉडी वर्क जो था वो उसको हटाया है और ये जो धारे हैं ये प्रॉपर डेंटिंग करके इनको शेप दिया है। तो उस फेंडर, उस तरफ के जो फेंडर है उसमें भी आपको ये सेम प्रॉब्लम दिखेगी जो हर्षल आपको जूम शॉट में दिखाएगा, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी एंड स्पेशली पीछे के क्वार्टर पैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सारी धारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉपर हमने पैनल को शेप देके इनको फॉर्म किया है। छत पे भी अगर आप देखेंगे तो छत पे भी काफ़ी एक्सेसिव पुट्टी वर्क का काम था जिसको हमने प्रॉपरली अभी डेंट वर्क कर दिया है ग्राइंड करके। बॉडी वर्क का काम हो जाने के बाद जो स्टेप आता है वो होता है पुट्टी और पुट्टी सैंडिंग का। मेजर इसका पर्पस रहता है गाड़ी को शेप देना। तो जो भी हमने डेंटिंग में काम किया है, आप पैनल को पूरा फ्लैट शेप नहीं दे सकते हो, उसको एग्जैक्ट वो फ्लैट फिनिश लाने के लिए पुट्टी भरनी पड़ती है। तो हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि पुट्टी को जितना कम भर सके उतना कम भरें और उसके बाद जब हम प्राइमर पे मूव करते हैं तो सबसे खास बात इस गाड़ी पे आपको देखने को मिलेगी कि हमने प्राइमर स्पॉट पे नहीं किया है। बहुत जगहों पे मटेरियल बचाने के लिए जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे प्राइमर मार के बाकी गाड़ी को रेडी कर देते हैं, बट हम पूरी बॉडी को प्राइम करते हैं ताकि उसके ऊपर जो कलर बैठे उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और लाइफ बहुत अच्छी आए। तो इस गाड़ी पे जो कलर हम करने वाले हैं वो होने वाला है वॉल्वो XC60 और XC90 का ऑनिक्स ब्लैक। ये बहुत ही सुंदर कलर है और इसमें ब्लू, रेड और सिल्वर मेटालिक फ्लेक्स आते हैं तो जब धूप में गाड़ी जाती है तो बहुत ही अलग शिमर करती है। हमने अरुण भाई को ये सजेस्ट किया कि आप जो गाड़ी की ओरिजिनल लुक है, जो डुअल टोन लुक आती है, उसको छोड़ के पूरी गाड़ी को ब्लैक पेंट करें और साथ ही साथ जो इसमें नॉन पेंटेड सारे प्लास्टिक पार्ट्स आते हैं हमने सजेस्ट किया कि उसको मैट ब्लैक में पेंट किया जाए। एक्चुअली अरुण भाई के मन में भी ये था कि उनको थोड़ी स्टेल्थ लुक चाहिए तो हमने ऑल ब्लैक गाड़ी सोची बट ग्लॉस एंड ब्लैक के साथ खेला, कुछ पार्ट्स को मैट ब्लैक करके उसको हाईलाइट किया। इस प्रोजेक्ट में एक खास बात ये भी थी कि जब हम इसको बाहर से बना रहे थे तो अरुण भाई ने डिसाइड किया कि इसके इंटीरियर्स में भी थोड़े चेंजेस करने चाहिए। हमने इसके अंदर का रूफ लाइनर भी ब्लैक कलर में चेंज किया है और ABC पिलर्स को ब्लैक कलर में पेंट किया है तो वो भी आप देखेंगे कितने सुंदर लग रहे हैं इस गाड़ी के साथ।
और एक छोटी सी चेंज हमने एक और करी थी गाड़ी में, वो था इसका गियर नॉब। तो इसका टॉप पार्ट जो था वो हमने ग्लॉस ब्लैक में पेंट किया और बाकी में लेदर वर्क किया, तो वो भी गाड़ी में बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है अरुण भाई, मैं होप करता हूँ आपको गाड़ी अच्छी लगेगी जितनी अच्छी मुझे लग रही है। बहुत अच्छा मिरर फिनिश आया है गाड़ी पे और ऑल ब्लैक लुक में ये गाड़ी अमेजिंग लगने वाली है। आप लोग सोचोगे कि टाटा ने ये गाड़ी ऐसे क्यों नहीं बनाई। बाय द वे हीटिंग भी ऑन कर दिया हम लोग ने, इसके लिए बूथ के अंदर इतना पसीना आ रहा है। अभी ये बेक होगा 60 डिग्री सेल्सियस पे और एक बार जब बेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो पेंट टच ड्राई हो जाएगा। गाड़ी इतनी अमेजिंग बनी है और इतनी सुंदर लग रही थी देखते हुए, बहुत लोग तो शोरूम में जो कस्टमर्स हमसे मिलने आते हैं वो भी देख के बोले कि आपके पास क्या नई गाड़ी आई है, सेरामिक कोटिंग हो? तो हम बोला नहीं नहीं, ये 1 लाख चली हुई गाड़ी है, 2 साल पुरानी गाड़ी है। तो देखने में गाड़ी कहीं से नहीं लग रहा ऐसे रीपेंटेड है और फाइनल लुक बहुत ही अमेजिंग आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब गाड़ी के आफ्टर शॉट्स देखते हैं। तो आज के प्रोसेस में हमने आपको दिखाया नेक्सॉन का पेंट जॉब और ये नेक्सॉन बिलोंग करती है अरुण भाई को। आपने अरुण भाई का चैनल देखा होगा, मोटोजिप के नाम से है। जी जी जी। तो अरुण भाई, नेक्सॉन ही चूज करने का क्या रीज़न था आपका? देखिए, नेक्सॉन में सबसे अच्छी जो, मैं काफ़ी सारी वीडियो अपनी डाल भी चुका हूँ नेक्सॉन के बारे में, सबसे जो अच्छी बात लगती है इसकी जो सेफ्टी वाली बात है, मेरे को आपसे पहले भी इस बारे में मैं बता चुका हूँ कि 2-3 बार मैं इसको हिट भी कर चुका हूँ गाड़ी को, और मेन रीजन जो था आपके पास इसी वजह से आपने बताया था कि फ्रंट एंड में थोड़ा मार खाई थी। हाँ, 2 बार खाई है और पीछे से भी लगी क्वार्टर पैनल में।
उन सब चीज़ों को देखते हुए अभी भी मेरा मन कर रहा था कि मैं नई गाड़ी खरीद लेता हूँ, कोई नेक्सोन को दे के अपनी इसको बेच के हैरियर या किसी बड़ी गाड़ी पर शिफ्ट कर जाता हूँ। लेकिन मैं इत्तेफाक से टकराया अपने परीक्षित भाई से, पहले भी कई वीडियो मेरे साथ में आ चुकी हैं परीक्षित भाई के साथ, तो इन्होंने भी यही सलाह दी कि क्यों नई गाड़ी पर पैसे बर्बाद करते हो, हम आपकी गाड़ी बना के देते हैं एक नंबर की। और ये पूरी नई, आप बोलोगे नई लग रही है गाड़ी, आपके जो सब्सक्राइबर हैं फॉलोअर हैं उन्होंने वीडियो देख ही ली है, भाई मेरा मन इतना खुश है मैं अब इस गाड़ी को कई साल आराम से चला सकता हूँ। पूरा अंदर ये बात इन्होंने सही की, पेंट करने से पहले परीक्षित भाई ने मेरे से शर्त रख दी थी कि अरुण भाई देखो मैं पेंट करके दूंगा टॉप क्लास, इंडिया में पूरी ओल्ड ब्लैक एडिशन आपको नेक्सोन नहीं मिलेगी इसके लेवल की देखने की, और ये शर्त रखी थी कि भाई गाड़ी चलाना आराम से, आप बहुत ज्यादा रफ चलाते हैं भाई, बहुत ज्यादा घूमते हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब दिल्ली से यहाँ आ गए गाड़ी लेके और यहाँ से अभी वापस भी जाएंगे गाड़ी लेके, तो इनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहता है, 3 साल में कुछ 1 लाख किलोमीटर के पास जा चुकी है। 3 साल हुए नहीं है, अभी 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल में 1 लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है गाड़ी, और अभी जाके इन्होंने सर्विस भी करानी है गाड़ी की। पर बाहर से अगर ये गाड़ी अभी हम बात करें ना, तो टाटा के शोरूम में जाके खड़ी कर सकते हैं, कोई बोल नहीं पाएगा नई गाड़ी है पुरानी। अभी आपके यहीं पे कोई आया था पेंट कराने के लिए, कह रहा था कि भाई ये नई गाड़ी आई है आपके पास, तो मैं तो पूरी तरीके से अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ। हाँ कुछ बातें मेरे को परीक्षित भाई ने जरूर यहाँ पे बताई हैं और आपके भी सब्सक्राइबर को आप बताते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लें। जैसे मेरी गाड़ी थी इस पर बहुत ज़्यादा पैचेज आए हुए थे, परीक्षित भाई ने बताया हाईवे पे अगर हम गाड़ी ज़्यादा तेज चलाते हैं तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं स्टोन चिपिंग्स, वो बहुत ज़रूरी होती है, तो उससे बचने के लिए और गाड़ी का जो मेंटेनेंस अपना जैसे पेंट कराया उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक स्टोन चिपिंग से बचने के लिए बहुत कॉमन सा एक तरीका है, अगर आपको दिखता है कि आगे कच्ची सड़क आ रही है कहीं पर और आपके आजू बाजू व्हीकल्स है, तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो अपनी गाड़ी को, बाजू वाली गाड़ी से पत्थर उड़ के यूजली आपकी गाड़ी में लगता है। सी इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन, बट इससे रिस्क कम हो जाता है पत्थर लगने का, से अगर गैप हो जाता है तो वो एक चीज हमें, हम अंधों की तरह स्पीड में अगर निकाल देंगे गाड़ी तो ऑब्वियसली स्टोन चिपिंग होने के चांस है। दूसरी चीज जो इनकी गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो कई जगह पे स्पॉट में पेंटिंग किया गया था। तो जैसे मैंने बताया परीक्षित भाई के थोड़ी यहाँ से टच हुई थोड़ी उधर से हुई, तो मैं लेके चला जाता था पेंटर के पास। और एक चीज मैं आपको बताऊं, उसमें स्पॉट रिपेयर करना प्रॉब्लम नहीं है, जो कलर का क्वालिटी है, अब जैसे जब आप नई गाड़ी जब आप खरीदते हो तो हमेशा ए ग्रेड पेंट में पेंट होती है हाईएस्ट क्वालिटी में, तो नॉर्मल रोड साइड पेंटर क्या करता है ना, उसमें सस्ती क्वालिटी का पेंट जो है वो मार देते हैं, जब वो दो पेंट आपस में मिक्स होते हैं तो रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लम देता है, मतलब इजीली मतलब विजिबल होता है, दिखता है इसका लाइफ जैसे है, अगर ये मतलब थूकने की छोड़ दीजिए, पर अगर आप इसको रोज धूप में भी रखते हो चलाते भी हो सब है, तो ये पेंट 10 साल तक भी कुछ नहीं होगा, यही अच्छे पेंट की क्वालिटी। अब जब उसमें हम मान लो हम यहाँ पर एक छोटा सा पैच मार रहे हैं सस्ते पेंट का, यहाँ स्क्रैच आया था बी ग्रेड या सी ग्रेड पेंट लेके मार दिया, एनसी पुट्टी में काम होता है सस्ते मटेरियल में, होगा क्या, ये ओरिजिनल पेंट आपका शाइन लगा रहेगा चलता रहेगा, ये जो है ये 1 साल में धूप से फेड हो जाएगा, फिर ये स्पॉट दिखने लगेगा, अगर यहीं पर अच्छा स्पॉट अच्छे पेंट से स्पॉट मारा जाएगा तो वो स्पॉट आगे चल के भी नहीं दिखता। तो स्पॉट रिपेयर प्रॉब्लम नहीं है, किस चीज से किया गया, तरीके से किससे किया गया है, किस क्वालिटी का पेंट लगाया है। अब वीडियो तो ये आपकी होने वाली है, लेकिन कुछ चीजें परीक्षित भाई ने मेरे को ऐसी, तब मुझे लग रहा था कि यार ये काम कराऊं या ना कराऊं, आप सब लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं, पहले भी आपने शॉर्ट्स देखे हैं अभी, कि गाड़ी के शीशे हरे कलर के थे, न्यून ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे ग्रीन था, और हमारे जो टायर्स हैं उनके व्हील कैप के अंदर भी ग्रीन पैचेस थे, तो हमारी गाड़ी के जो है काफी सारे पैचेस जो थे वो ग्रीन के थे, मतलब ये क्रैच वाला जो मॉडल आता था उसी तरीके से, और जो छत थी हमारी गाड़ी की रूफ थी ग्रे थी, वो ग्रे कलर की थी, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे के ऐसे ही पेंट कर दो, या फिर मैं दूसरा ऑप्शन लेके आया था कि पूरी ही गाड़ी जैसे परीक्षित भाई ने अपनी गाड़ी को पेंट किया है उसको पर्पल कलर दिया है, पर्पल बोलते हैं क्या बोलते हैं, वायलेट, हाँ वही पर्पल ही है, प्लम पर्पल वायलेट सारे, वो जो कलर है मेरे को बहुत पसंद आ रहा है अभी भी भाई, हमारी गाड़ी मैं किसी को करने नहीं देता जो भी बहुत लोग पूछते आते ये वाला कलर हमें भी करा था, हमने बोला ये कलर मत कराओ, इसके अलावा कुछ भी करा, नहीं देखो ब्लैक मेरे को, हमारी तो अलग भी मजबूरी थी कुछ। हाँ तो क्या है, दिल्ली NCR साइड में जितना हम लोगों को रिसर्च करके थोड़ा सा पता चला, गाड़ी के कलर चेंज करने में RC में प्रॉब्लम आता है, तो हम लोगों ने अरुण भाई को भी सजेस्ट किया कि ब्लैक ही करते हैं, ब्लैक में और बेटर कुछ अलग कलर चूज करते हैं, पर कलर चेंज करेंगे कल को आपको प्रॉब्लम आ जाए, महाराष्ट्र में तो हो जाता है, नॉर्थ साइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी में कल को रजिस्ट्रेशन में इशू आ जाए। हाँ NCR में थोड़ा ज़्यादा सख्त है रूल इन चीज़ों को लेके। अच्छा इस कलर का पर्टिकुलर नाम तो बता दो अपने सब्सक्राइबर्स, ये जो है ये वॉल्वो का ऑनिक्स ब्लैक है,
ओनिक्स ब्लैक, यहाँ नाम आपको दिख जाएगा क्या नाम है, तो मेरे को तो बोलने में पड़ना। कलर कोड भी हम लोग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हर कलर का एक कोड रहता है, सारे ब्लैक एक जैसे नहीं होते, सारे व्हाइट एक जैसे नहीं होते। हमने आपको इसमें दिखाया कैसे मेटल चमकीलियां हैं इसमें पूरे, आपने फोर्ड का कलर फोर्ड वाला भी देखा, यहाँ पे आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई दे रही होगी, इसको देखना जरूर एक बार। फोर्ड का जो है वो एब्सोल्यूट ब्लैक है, वहां पर प्योर ब्लैक कलर है, वर्ना का अपना है, बीएमडब्ल्यू का अपना है, बीएमडब्ल्यू में सफायर ब्लैक आता है तो वो उसमें सिल्वरिश टोन मारता है। अच्छा। ये जो क्रेज का इसका कलर था वो बहुत सिल्वरिश टाइप का कलर था, मतलब तो उसमें डल ब्लैक नहीं था, वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं, उसमें डेप्थ नहीं थी, उसमें आपको सिल्वर टोन दिखेगा जिसमें वो ब्लैक और ग्रे का मिक्स कलर दिखने लगता है रैदर देन प्योर ब्लैक। सो अरुण भाई, गाड़ी आपको, आप सेटिस्फाइड हो काम से? भाई साहब मैं तो आपके सब्सक्राइबर को और मेरे भी अगर सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखते हैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा एक बार जरूर आके काम। अभी ये आप कैमरे में नहीं देख पा रहे होंगे, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग है इसमें आप नहीं देख पाएंगे, जब रियल में गाड़ी को आके टच एंड फील आप करेंगे यहाँ पे, आपको समझ आएगा कि जितना आप पैसा दे रहे हैं उसका आपको वर्थ मिल रहा है वापस। मेरे को लग रहा है मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, आपके पास गाड़ी लाया, हालांकि लानी तीन बार पड़ी। पहली बार इन्होंने टाइम की कमी की वजह से मना कर दिया, दूसरी बार फिर कुछ और रीजन थे, और तीसरी बार में हमें जब मिली तो अभी चार महीने बाद मिली है ड्यू टू लॉकडाउन और COVID-19 की जो सिचुएशन थी उस वजह से। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी मैंने सोचा था उससे 21 जाके मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। आपकी जो टीम है, आप हैं, राघव सर हैं, और जो अंकल जी हैं, अनिल अंकल भी जो पापा हैं परीक्षित के, वो भी पूरा ध्यान रखते हैं कि बेटा ये देखो, बेटा ये काम ना छूट जाए। जो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहती है, इस पर पर्सनल सुपरविजन रहती है, वो एकदम फिनोमिनल लगती है मुझे यहाँ। बहुत ज़रूरी है वो काम में आपको, बाकी बॉडी शॉप में या बाहर जो काम होता है उसमें और इसमें फ़र्क लगा, धरती आसमान का फर्क लगा। मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं है कि यहाँ पे आके आपको सोच, मैं चार महीने तक आपको फोन भी नहीं किया, और जो जो काम मैंने सोचे थे ना यार वो तो नहीं भूल गया, भाई साहब ने एकदम पर्टिकुलर पिन टू पिन वो काम किया है कि ये चीज बताई थी वो होके रहेगी। मैं तो सेटिस्फाइड। हम लोगों ने गाड़ी को ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में किया है, तो ये सारी ग्रिल्स जो आप नीचे पीछे और साइड्स में भी देख रहे हो सारी पेंट की है। रूफ रेल्स थी हमारी जो सिल्वर कलर की थी, ये भी आपने पेंट किए हैं। यस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रोटोमोटिव और मोटोजिप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो मेरे भी सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जाके ब्रोटोमोटिव को सब्सक्राइब करें, और जो वो लाल कलर का बटन आ रहा है उसको ग्रे कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्ट भरी नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर ब्रोटोमोटिव वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा और अरुण भाई का इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा, गाड़ी का पूरा लुक तो आपने देख ही लिया हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए ब्रोटोमोटिव को और मोटोजिप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।